यहाँ पर हो ही नहीं रहा है सर, तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा। विकास के मुद्दे पे आप वोट करने लेकिन कोई विकास नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, बिजली का बिल 60,000-70,000 कर दिल के कुछ माफे नहीं हो रहा है, कोई चीज विकास नहीं होते, यहाँ की बोलबे। अभी तक नहीं किया है ठीक ढंग से, नहीं किया है, थोड़ा बहुत करते जाते बस वोट लेते हैं अपना अपना टाइम पर। मोदी बहुत कुछ कलखन हाँ तो कलखन ये मैंने तनि गो मैंने महिला लोग के तनि दिक्कत है महंगाई कर दलखनी। न्यूज कॉर्डिशन देख रहे हैं, देश भर में तीसरे चरण के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बिहार सहित देश भर में जो है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। न्यूज फाउंडेशन लगातार इन 5 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान हो रहे हैं सीधे जो है वहाँ की तस्वीर आपके साथ साझा कर रही है। अभी हम मौजूद खगड़िया में है, ये खगड़िया का अलौली विधानसभा है, यहाँ पे एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पे भारी संख्या में जो है महिलाएं वोट करने पहुंची है। सुबह से ही ये लाइन में लगी है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी बारी से ये अपने वोट करेंगे, कतारबद्ध लगी हुई है। सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार ये किन मुद्दों पे जो है वो वोट करने आए, क्योंकि आज जो है खगड़िया में 12 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में उन 12 उम्मीदवारों का जो चुनावी किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। यदि खगड़िया की बात करें तो मुख्य तौर से खगड़िया के 2 उम्मीदवार जो हैं, 2 पार्टियां जो है वो मुख्य तौर से चुनाव लड़ रही है। एक तरफ एनडीए की तरफ से राजेश वर्मा है तो वहीं दूसरी तरफ संजय कुशवाहा है। ऐसे में हम जानेंगे कि किन मुद्दे पे जो है वो आज वोट करने पहुंची है। क्या नाम है? हमने बोलवाना। क्या नाम है? रामदाना देवी। वोट आज करने आई है, क्या लगता है किन मुद्दे पे वोट करने आई है, क्या मुद्दा है, मतलब वोट करेंगे तो क्या कुछ बदलेगा खगड़िया में? कोई विकास तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है सर, तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा। विकास के मुद्दे पे आप वोट करने लेकिन कोई विकास नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, चुनाव के समय जो नेता आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, कहते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव के बाद वो होता है? कुछ नहीं करता है। लेकिन आप मत का अधिकार जो अधिकार है वोट कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कुछ काम नहीं होता है? नहीं काम होता है सर, कोई काम, कोई विकास नहीं। तो क्या कहेंगे उन नेताओं से जो इस बार बड़े बड़े वादे किए हैं, वोट तो कर ही रहे हैं, वोट तो आप दे रहे हैं, आपका जो अधिकार है वो कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद करते हैं कि नहीं, क्या उनसे कहेंगे? तो वह तो बोले छे कोई चीज की यहाँ सब कुछ की बोलबे, बोल के की करबे झूठे। सड़क बिजली कैसा है, अनाज मिलता है? बिजली तो बिल 60,000-70,000 कर दिल के कुछ माफे नहीं हो रहा है, कोई चीज विकास नहीं होते, यहाँ की बोलबे। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस बार के सांसद से, क्या कहेंगे? बिजली बिल पे काम करे, सड़क पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, अस्पताल पे काम करे, कोई चीज के विकास ये नहीं सर छे। बिजली बिल इतना महंगा दे रहा है, 60,000-70,000 एक आदमी पर घर पर, गरीब लोग कहाँ से देते, कोई चीज के विकास छे ही। तो इस बार जो जीत कर सांसद आएंगे उनसे आप कह रहे हैं कि बिजली पे ध्यान देना चाहिए? कोई चीज के माफे नहीं छे यहाँ पर। क्या नाम है? नाम क्या है? मीना देवी। कब से, काफी टाइम से वोट कर रही है? चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या चुनाव के बाद उन वादों को पूरा किया जाता है? नहीं। जो पिछले बार जो चुनाव जीते थे वो सांसद कभी मिले, कभी आपके मोहल्ले में आए, कभी कोई काम किए? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो इस बार वोट देना है, क्या उम्मीद है कि इस बार आपका जो मुद्दा है वो काम करेंगे, वो उस मुद्दे पे काम करेंगे? तो सरकार को वोट देना है तो उम्मीद है इस बार करेंगे? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन आप वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने आए हैं। वोट देंगे? देंगे। देखिए, ये महिलाएं हैं, काफी संख्या में महिलाएं जो है वो आज सरकार चुनना है, जनादेश देने आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो जीत कर जाते हैं वो फिर उन वादों पे कायम नहीं रहते। वोट दे दिए? दे दिए। क्या नाम है? चंद्रकला देवी। क्या लगता है क्या मुद्दा था इस पर वोट करने का? खगड़िया का क्या विकास मुद्दा था, या अस्पताल, क्या रोजगार? हमको कुछ पता अभी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं पता है लेकिन वोट दे दिए? दे दिए। क्या नाम है? नाम तो बताइए कम से कम। विभा देवी। वोट देने आई है, क्या मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दा नहीं है। हाँ। यहाँ ना रोड बन रहा, ना सरकारी हॉस्पिटल है, दवाई सुविधा सारे चीज महंगा है। और तो क्या इस बार सांसद चुनने आए हैं आप? चुनने आए इस बार नए सांसद, तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम अस्पताल ठीक कर देंगे, सड़क ठीक कर देंगे, बिजली ठीक कर देंगे, रोजगार देंगे, इस बार भरोसा है इन सांसदों पे? भरोसा जब देंगे तभी तो भरोसा पता चलेगा। आज भरोसा जताने आई है, लेकिन चुनाव के बाद क्या लगता है? इससे पहले भी वोट कर चुकी है,
चुनाव के बाद आते हैं वो नेता काम अभी तक तक नहीं किया है ठीक ढंग से नहीं किया है, थोड़ा बहुत करते जाते बस वोट लेते हैं अपना अपना टाइम पर। तो क्या कहेंगे जो इस बार जीतेंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये चीज ठीक होना चाहिए खगड़िया? ठीक होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए, आपके कहने का मतलब अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में बेहतर इलाज होना चाहिए, गरीब लोग को सारे चीज सुविधा होना चाहिए, गरीब लोग को सुविधा होना चाहिए और सारे चीज महंगा है कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और क्या कहेंगे गरीब। क्या नाम है? नहीं बात करेंगे, क्या नाम है? तो ये महिला है शर्मा रही है, बात नहीं कर रही है, क्या नाम है? बेबी देवी। काफी टाइम से वोट कर रही है, चुनाव के वक्त नेता जो होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कभी आपसे मिले हैं, कभी उन मुद्दों पे बात किए हैं जो वो बोल कर जाते हैं वो कभी चुनाव के बाद करते हैं? नहीं नहीं। इस बार क्या मुद्दा है, क्यों वोट करने आई हैं? वोट देने के लिए आए हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करने आई हैं? तो सड़क बिजली पानी अस्पताल ये सब कैसा है यहाँ का? यहाँ का कहाँ है कोई अस्पताल, कहाँ है? नहीं है। नहीं। तो इस बार जो सांसद जीतेंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको कहना चाहिए बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ। अनाज मिलता है? हाँ अनाज मिलता है। सोना तो क्या महंगा करने? क्या सोना? हाँ, सोना चांदी। हाँ। 70 के प्लस चल गए सोना चांदी। हाँ। तो गरीब लोग कैसे खरीदते? तो आप सोना, लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, आप सोना खरीदने की नहीं हुआ। अच्छा तब सरकार सस्ता करे, तो सरकार से क्या कहेंगे सोना सस्ता करे? हाँ सब चीज सस्ता हो चाहिए। अच्छा सब चीज सस्ता। हाँ, सब चीज सस्ता। यहाँ का खगड़िया में सबसे बड़ा मुद्दा सोना है या कुछ और है? मतलब कमाई है ना या महंगा? हाँ, हाँ, कमाई भी नहीं है, सब चीज महंगाई है, तो कमाई होगा तब ना सब चीज खरीदेंगे। हाँ, तो इस बार जो दो उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हम यदि जीत के जाते हैं इस बार खगड़िया से, यदि हमें लोग दो उम्मीदवार मुख्य तौर पे है, एक तरफ राजेश वर्मा दूसरी तरफ संजय, है ना मोदी का वोट तीसरा बार है? हाँ। तो क्या करे मोदी, बिजली बिल माने महंगाई लेब करे छे, वहाँ भी तीसरा है और यहाँ भी एक बार तीसरे चिराग पासवान के जो पार्टी है। हाँ, तीसरे 10 साल से है। हाँ, इस बार तीसरे बार वो। हाँ, तीसरे बार। हाँ, क्या उम्मीद है चिराग पासवान से उम्मीद है या नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, क्या उम्मीद? बहुत कुछ कल खाने। हाँ, तो कल खाने ये मैंने तनि वो मैंने महिला लोग के तनि दिक्कत छे, महंगाई कर दल खानी तो अथी छे दिक्कत छे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ लगा सोना महंगा हो चुका है, मंगलसूत्र का भी चर्चा हो रहा है देश में है ना, सोना सस्ता होना चाहिए। अस्पताल का कैसा स्थिति, अस्पताल का कैसा स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ? अस्पताल तो जाए छे कोनो काम नहीं करे छे, जाइए अथी प्राइवेट में जाइए। अच्छा किसान उशान आप लोग कोई है? सब तो किसानी वाला है। मक्का का यहाँ सुनते हैं बड़ा प्रमुख फसल है यहाँ का खगड़िया का? नहीं हमको नहीं पता। मकई? मकई। हाँ, क्या कहते हैं उसको आप लोग? मकई कहते। मकई कहते हैं। तो जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि इस बार हम जीतते हैं, जो चिराग पासवान के पार्टी से है वो कह रहे हैं कि यदि इस बार हमें लोग मौका देंगे तो हम यहाँ पे यहीं पे उद्योग लगाएंगे, जो बड़े बड़े मॉल में जो पॉपकॉर्न वगैरह मिलता है तो हम यहीं लगाएंगे तो रोजगार यहाँ मिलेगा। क्या भरोसा है कि वो लगाएंगे जीतेंगे तो? हाँ भरोसा आते है। भरोसा है। हाँ, भरोसा अच्छा है। तमाम महिलाएं थी इस बार, कुछ लोगों का कहना है कि जो जीत कर जाते हैं तो उन वादों पे खड़े नहीं उतरते, लेकिन हम वोट कर रहे हैं, मेरा अधिकार है वोट करना, वोट करेंगे लेकिन ऑनलाइन करवाई छे किसानी वाला। साले साल ऑनलाइन करवाई छे तब पैसा आवे छे 2000 का किसान सम्मान निधि का जो पैसा 200 रुपया यहाँ पर ले छे ऑनलाइन करे का। अच्छा अच्छा 200 रुपया लेता है तो 2000 रुपया आता है। हाँ साले साल हो तो सरकार काम कर रही है। हाँ। तो ये महिलाएं हैं खगड़िया की महिलाएं हैं और लंबी कतार में दिख रहे हैं कैसे, हालांकि मौसम आज बड़ा बढ़िया है, पिछले दो चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुए धूप काफ़ी तेज था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लाइन में लगे हुए बैठ गए हैं, थकी हुई हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से जो है लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो सांसद यहां से जीत कर जाते हैं वो उन वादों पे खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन हम वोट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार खगड़िया में बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, अस्पताल का जो स्थिति है वो बदतर है वो उसमें सुधार होगा, शिक्षा मिलेगा। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो सोना है वो बहुत महंगा हो चुका है, महंगाई पे लगाम सरकार लगेगी। तमाम जो मुद्दे थे वो स्थानीय से लेकर के देश भर के मुद्दे थे। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अभिजीत खगड़िया।